नेक्स्ट है इकोनॉमिक नीड्स, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता कि रियल में, सॉरी आर्थिक आवश्यकता कि कुछ हमारी इकोनॉमिक नीड्स के भी बेस होते हैं जिस वजह से हमारी इंटरनेशनल, हमारी इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड की जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे फर्स्ट है संतुलित व आर्थिक विकास की इच्छा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हर कंट्री की या हर इकोनॉमी की डिज़ायर होती है कि उस इकोनॉमी का एटलीस्ट एक बैलेंसिंग डेवलपमेंट हो, कहीं भी किसी भी स्टाइल का कोई भी इम्बैलेंस नहीं हो, चाहे इंडस्ट्रियल को लेकर, चाहे सर्विस को लेकर, चाहे प्राइमरी सेक्टर को लेकर के, और चाहे स्टेट वाइज भी लो, तो हर कंट्री चाहता है कि एटलीस्ट उसका बैलेंसिंग डेवलपमेंट हो। तो बैलेंसिंग डेवलपमेंट के लिए जहाँ कहीं भी किसी न्यू टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं अपडेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर वो टेक्निक हमारी कंट्री में पॉसिबल नहीं है, देन वी इम्पोर्ट दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स, तो हम उस प्रकार की टेक्निक को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो एक बैलेंसिंग डेवलपमेंट जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होने की वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड की जो रिक्वायरमेंट है वो हर कंट्री के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि चाहे कंट्री डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, सभी की रिक्वायरमेंट बैलेंसिंग डेवलपमेंट को लेकर के रहेगी। तो अपनी इकोनॉमिक का एक बैलेंसिंग डेवलपमेंट करने के लिए भी जो कमोडिटी एटलीस्ट अवेलेबल नहीं है, जो सर्विस अवेलेबल नहीं है, हम उसका इम्पोर्ट कर लेंगे, और जो एक्सेस में है हम उसका डेवलपमेंट जो उसका एक्सपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है विदेशी विनिमय भंडारों की इच्छा, डिजायर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की डिजायर होती है वो हर इकोनॉमी की होगी, हर इकोनॉमी या हर कंट्री की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है वो ये चाहता है कि उसके बाद फॉरेक्स के जो रिजर्व है वो रिच अमाउंट में हो। तो फॉरेक्स के रिजर्व रिच अमाउंट में कब होंगे, जब उस कंट्री का अदर कंट्री के साथ ट्रेड की रिलेशनशिप होगी, वो किसी का दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बिहाफ पर ही फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये जो डिजायरनेस है फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को इंक्रीज करना, मेंटेन करना, एक्सेस में करना, तो वो डिज़ायर भी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड की नीड को जो है वो जन्म देती है कि जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे तब तक किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में एंटर नहीं हो पाएगी और हम उसके रिजर्व को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी डिज़ायर भी जो है वो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की जो है वो नीड है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा के भंडार जो है वो बढ़ते जाए, एक्सेस में हो, वैरायटी ऑफ हो, तो ये हम एक्सपोर्ट के थ्रू ही अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पूंजीगत माल की संचित पूर्ति में भिन्नता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल गुड्स एंड द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स इज डिफरेंट, कि हर कंट्री में कैपिटल गुड्स रिच अमाउंट में अवेलेबल नहीं रहता, कहीं किसी स्टाइल का कैपिटल गुड्स अवेलेबल है तो कहीं किसी स्टाइल का कैपिटल गुड्स जो है वो अवेलेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं आपकी एक्सेस में कैपिटल है तो कहीं आपके पास टेक्निक एक्सेस में है, तो कहीं आपके पास पार्ट्स एक्सेस में है, कहीं आपके पास मशीन एक्सेस में है, तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ जो कैपिटल गुड्स की है उसमें वेरिएशन पाया जाता है। और जैसे कहीं पर जो है वो रेल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये भी कैपिटल गुड्स में है, ब्रिज, डैम्स, तो ये कहीं एक्सेस में है। तो हर कंट्री के पास अलग अलग स्टाइल के कैपिटल गुड्स होते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन में वेल डेवलप्ड है, तो कोई कम्युनिकेशन की फील्ड में वेल डेवलप्ड है, तो कोई इरिगेशन की फील्ड में बहुत डेवलप्ड है। तो इस स्टाइल के जो कैपिटल गुड्स में जो है वेरिएशन पाया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, हर कंट्री के पास अलग अलग टाइप का कैपिटल गुड्स होता है, तो जो जिसको कंस्ट्रक्ट करने में स्पेशलिस्ट होगा वो उसी में इन्वॉल्व रहता है। तो इस स्टाइल में हमें कहीं से ट्रेन्स के बॉगीज जो है वो इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, तो कहीं से हमें एयरक्राफ्ट वगैरह लाने पड़ते हैं, कहीं से शिप्स वगैरह लाते हैं, तो ये जो स्पेशलिस्ट कंट्री होगी वहीं बनेगा और वो हमारी कंट्री में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि इंटरनेशनल ट्रेड की इंटरनल लेवल पर परमिशन नहीं हो। तो इस वजह से भी मॉडर्न टेक्निक्स के जो आपको कैपिटल गुड्स चाहिए तो हमें उनका इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। इट मे बी पॉसिबल कि इंडिया भी किसी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो है वो एलिजिबल है, तो हम भी उनका क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारे देशों से वो सामान ले जाते हैं और फिर उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद है अवसर लागत का सिद्धांत। अब आपका ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है कि हर कंट्री में यह होता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी में टू टाइप की इंडस्ट्री होती है,
फर्स्ट इंडस्ट्री जो होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा वेल इम्प्रूव्ड होती जाती है, और कुछ इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पर बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या कह रही है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो, आपकी एफिशिएंसी है, आप उसी पे कंसंट्रेशन करो, इस टाइप की इकोनॉमी को किक आउट कर दो, इस टाइप की इंडस्ट्री को किक आउट कर दो। आपको जहाँ जिस इंडस्ट्री में बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं हो रहे हैं, तो जो उद्योग बहुत ज़्यादा कुशलता से काम कर रहा है, अच्छा उत्पादन दे रहा है, तो पूरी इकोनॉमी की कंसंट्रेशन उसी पर होगी, उसी में एफर्ट्स लगाएंगे और उसी प्रोडक्शन को एक्सेस में करके इम्पोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। बट अब जो इंडस्ट्री आपने किक आउट कर दी, जहाँ एफिशिएंसी हो ही नहीं रही, तो उसके प्रोडक्ट का आप इम्पोर्ट कर लीजिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी आपको ये बता रही है कि जिसमें जहाँ जो इंडस्ट्री बहुत एफिशिएंसी के साथ चल रही है उसी पर अपना ध्यान दीजिए, जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बावजूद भी एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं कर रही है उसको स्टॉप कर दीजिए। इसी से मिलता जुलता आता है तुलनात्मक लाभ प्राप्ति की इच्छा, कंपेरेटिव प्रॉफिट डिजायरनेस, कि हर इकोनॉमिक में जैसे मैंने आपको अवसर लागत है वो इंडस्ट्री को लेकर के था, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो है आपकी, सॉरी ये कंपेरेटिवली कॉस्ट थ्योरी है, वो कमोडिटी के प्राइस और प्रॉफिट पर आ जाती है। इस थ्योरी में ये बताता है कि आपने सेम एफर्ट्स, जैसे वो सपोज कीजिए इंडिया में सेम एफर्ट्स वाइन को प्रोड्यूस करने में लगाए जाते हैं और सेम एफर्ट्स वीट को प्रोड्यूस करने में लगाए जाते हैं, बट वीट का प्रोडक्शन कंपेरेटिवली वाइन के ज़्यादा होता है। और अब यही जो है दूसरी कंट्री है वहाँ पर वीट जो है वो बहुत लोअर एफिशिएंसी से आ रहा है उतने इन्वेस्टमेंट में और वाइन ज़्यादा आ रहा है, तो इंडिया उस कंट्री के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, वीट यहाँ से सेल करेगा और वाइन वहाँ से मंगा लेगा। तो इस स्टाइल से कंपेरेटिवली कॉस्ट थ्योरी हो जाएगी, दोनों की जो कंपेरेटिव कॉस्ट है वो अब इक्वल आने लग जाएगी। तो ये भी कब कम होगा, कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी की डिज़ायर अगर आपकी है तो ये तभी हो सकता है जब इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड की परमिशन आपको ग्रांटेड हो, तो एक अनदर नीड बन जाता है पॉइंट कंपेरेटिवली कॉस्ट थ्योरी के बेनिफिट लेने की आपकी डिज़ायर है। उसके बाद आता है विकास स्तर की भिन्नता, डिफ्रेंशिएशन इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब हर कंट्री का जो डेवलपमेंट का लेवल या क्राइटेरिया होता है वो सेम नहीं होता, कोई डेवलपमेंट की रेस में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं और कोई कंट्री है या कोई इकोनॉमी है वो डेवलपमेंट की रेस में बहुत ज़्यादा पीछे होती है। तो जो आगे जा रहे हैं उनका पीछा करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी क्या करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वालिटी करना पड़ेगा, नहीं होगा तो हम वहाँ से वो टेक्निक और वो मशीन लाएंगे। तो ये डेवलपमेंट की रेस में आगे जाना, विकास के स्तर में भिन्नता होना भी इंटरनेशनल ट्रेड की नीड्स को जो है वो जन्म देता है। और यहाँ पर आपको लगता है कि यार मैं भी उन्हीं के तरीके से उत्पादन करूँ ताकि मेरा भी डेवलपमेंट हो। उसके बाद श्रम विभाजन, लेबर का डिवीज़न, तो लेबर का डिवीज़न भी इंटरनेशनल ट्रेड की एक नीड है। जब हम किसी स्पेशल पर्सन को स्पेशल काम को दे देते हैं तो वो उस काम को बहुत एफिशिएंसी से करता है, बहुत एक्सेस में प्रोड्यूस करके दे देता है और उस एक्सेस प्रोडक्शन की कंट्री में डिमांड नहीं होती है तो हमें उस प्रोडक्ट को सेल करना ही पड़ेगा। तो ये भी लेबर ऑफ डिवीज़न भी एक कारण बन गया इंटरनेशनल ट्रेड का, कि आपने लेबर ऑफ डिवीज़न को फॉलो कर रखा है, एफिशिएंसी अच्छी आ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो एटलीस्ट अब आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सोशल रिज़म, कुछ हमारा सोशल सेक्टर ऐसा होता है, हमारी सोसाइटी पॉपुलेशन के डिज़ायर में वो कुछ अलग स्टाइल की होती है कि ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल ट्रेड की नीड को जो है वो जन्म दे देती है कि नहीं ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला है सभ्यता व संस्कृति में भिन्नता, डिफ्रेंशिएशन इन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, अलग अलग कल्चर और अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्री का जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है, हर कंट्री के पॉपुलेशन की डिज़ायरनेस भी अलग अलग होती है। जैसे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट करना वहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षा है कि नहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचे से ऊँचे हाई टू हाई जो है वो टेक्निक्स को अडेप्ट करें, तो उनकी कंसंट्रेशन वहीं तक रहेगी। और कुछ लोग क्या है आध्यात्मिक में लगे हुए रहते हैं, उनकी डिमांड बहुत कम होती है, वो बहुत लवर में हो जाते हैं, तो इन कंट्री के लोगों की डिज़ायरनेस अलग होती है। अब सोचिए यहाँ के लोगों की डिज़ायर, अगर सपोज कीजिए इंडिया जो है वो आध्यात्मिक पे बेस है और यूएसए जो है वो
मॉडर्नाइजेशन पे बेस है, लेकिन सारी पॉपुलेशन सेम नहीं है। इंडिया में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग यूएसए चले जाते हैं, और जो लोग वहाँ अध्यात्म की सर्च कर रहे हैं वो लोग इंडिया में आ जाते हैं। तो इस स्टाइल से हमारी महत्वाकांक्षाओं में भिन्नता होने की वजह से, सभ्यता और संस्कृति अलग होने की वजह से भी हमारे यहाँ लोगों का जो है वो ट्रांसफ़र होता है, वो लोग यहाँ आकर एजुकेशन लेके जाते हैं, हम लोग वहाँ जा कर के लेके जाते हैं। तो ये भी एक एजुकेशन का ट्रेड हो गया कि यहाँ की एजुकेशन वहाँ और वहाँ की एजुकेशन यहाँ। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट नहीं हो। उसके बाद है विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की इच्छा। अब है कि आपके डिज़ायरनेस है कि आपको डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करना है, और देखो ऑलमोस्ट वही डिज़ायर होता है जो हमारे यहाँ पास नहीं होता। कहते हैं दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, तो हमें क्या दिख रहा है यार, मैं भी यूएसए का सामान, मैं भी वो ड्रेस पहनूँ यूएसए से बनी हुई, मैं भी वो मशीन साइकिल लाऊँ जो यूएसए में बनी। हमारी डिज़ायर ये रहती है कि हमें हमारी कंट्री का प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आता है, हम दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में लगे रहते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रेड करना ही पड़ेगा। और दूसरी कंट्री की डिज़ायर रहती है कि नहीं मुझे इंडिया के क्लोथ्स चाहिए, इंडिया के कपड़े चाहिए, इंडिया का जो है फूड चाहिए, तो वो लोग यहाँ से मंगाएंगे और हम लोग बाहर से मंगाएंगे। तो इस स्टाइल से अगर हम डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी का कंजम्पशन करना चाह रहे हैं, हमारी डिज़ायर है कि मुझे फॉरेन की चॉकलेट खानी है, फॉरेन का साबुन यूज़ करना है, तो उसके लिए भी ट्रेड जो है वो बेसिक नीड्स हो जाता है। उसके बाद होता है मांग या पसंद। यहाँ पर होता है कि डिमांड और प्रायोरिटी या प्रेफरेंस। अब आपकी डिमांड कुछ अलग स्टाइल की और आपका प्रेफरेंस कुछ और बन रहा है। तो डिमांड और प्रेफरेंस क्या होता है, जब आपका प्रेफरेंस, आप जब आप डिमांड करते हो तो उस डिमांड को अगर आप प्रेफरेंस नहीं देते हो तब तक आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर मेरी डिमांड ऐसी है या मैं उसको प्रेफरेंस दे रही हूँ जो प्रोडक्ट मेरी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, मुझे दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड है, मुझे दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को जो है वो प्रेफरेंस देती हूँ। जैसे आज भी लोग मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो चाइनीज़ मोबाइल को प्रेफर करते हैं, उनकी डिमांड ही उसी वैरायटी की होती है, तो वो उसी को प्रेफर करेंगे और उसी को परचेज करेंगे। अब आप जब परचेज कर रहे हो तो गवर्नमेंट की बाउंडेशन है कि वो उसको इम्पोर्ट भी कर करके लाए आपको अवेलेबल कराने के लिए। तो यहाँ पर लोगों की डिमांड और लोगों की प्रायोरिटी की वजह से भी ट्रेड होता है। जिस कंट्री के प्रोडक्ट को हम प्रायोरिटी देते हैं उसी कंट्री का प्रोडक्ट हमारे देश में आता है। तो दीज आर द सॉरी उसके बाद ये तो थे आपके शोषण। उसके बाद आता है कुछ पॉलिटिकल नीड्स भी होती हैं, उस पर भी हमारा क्या होता है, हमारी ट्रेड की जो है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला सुदृढ़ राजनीतिक संबंध, कि हम चाहते हैं कि हमारी जो डिज़ायर है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनाए रखने की, हम चाहते हैं कि किसी देश के साथ हमारे साथ जो है वो रिश्ते अच्छे बने। तो रिश्ते अच्छे बनने के लिए क्या है, सुदृढ़ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए कभी कभी ऐसी चीज़ों का भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है जो हमारे यहाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्वांटिटी में। सपोज कीजिए इंडिया के शुगर की डिमांड अगर इंटरनेशनल लेवल पर हाई है तो इंडिया का कंज्यूमर को कंजम्पशन के लिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको उसका एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि उस कंट्री के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे बने। और ऐसा बहुत से प्रोडक्ट के साथ होता है कि उनका कंजम्पशन चाहे इंडियन कंज्यूमर को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फिर भी गवर्नमेंट उनका एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की डिज़ायर रहती है कि वो उस कंट्री को नाराज नहीं करना चाहते। अभी एग्जांपल इस कोरोना मेडिसिन का ही ले लें, हालांकि इंडिया में अवेलेबल है बहुत रिच अमाउंट में, पर सपोज करो अगर नहीं होता तो भी अगर यूएसए का प्रेशर पड़ रहा है कि वो मेडिसिन हमें एक्सपोर्ट करो तो इंडियन गवर्नमेंट को करना ही पड़ता, क्योंकि हम दबे हुए हैं, प्रेशराइज्ड हैं, हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। जब तक बड़े बड़े देशों का हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा हम आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये वजह होती है कि अगर हम पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, कभी कभी कुछ चीज़ें मजबूरी में भी परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि रिलेशनशिप की बात आगे आ जाती है कि अगर उससे नहीं लिया सामान तो वो नाराज़ हो जाएगा, तो हमें उसका इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। उसके बाद है राजनीतिक प्रभुत्व की लालसा, कि हर कंट्री की ये डिज़ायर होती है गेन टू पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, वो चाहता है कि राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो जाए उस देश में, तो इसके लिए भी वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उस कंट्री से कंटिन्यूस करता है। जैसे बहुत सी कंट्री है, यूएसए है, रसिया है, जापान है, जर्मनी है,
चाइना इसका रिसेंट एग्जांपल है। तो ये ट्रेड के पीछे इसका जो लॉजिक है वो है अपनी सत्ता कायम करना, अपना पावर, अपनी स्ट्रेंथ, जैसे अभी चाइना कर रहा है पाकिस्तान और नेपाल और श्रीलंका के साथ कि उनको सपोर्ट कर रहा है अननेसेसरी का, ताकि वहाँ उसका प्रभुत्व कायम हो जाए। तो ये जो ट्रेड का जो एक पीछे ट्रेड जैसे झंडे के पीछे हाथ चलना, ऐसा कहा जाता है कि हैंड बिहाइंड द फ्लैग, कि झंडा आगे चल रहा है और आपका फ्लैग पीछे चल रहा है, बात तो आप ट्रेड की करो और अंदर से आप सपोर्ट और आपका काम है उसको अपने हाथों में हाथ लेना। तो ये जो होते हैं सब इंटरनेशनल ट्रेड की बेसिक नीड्स होती है और हमारा ट्रेड इसलिए भी क्रिएट होता है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, कि व्हाट आर द बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि रियल में इंटरनेशनल ट्रेड के बेस क्या है, आधार क्या है जिनके बिहाफ पर जो है हमारा ट्रेड किया जाता है। तो उसको भी हम कुछ भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है भौगोलिक आधार, आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार, ज्योग्राफिकल बेस, इकोनॉमिक बेस एंड पॉलिटिकल बेस। तो किसी भी कंट्री में ट्रेड क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, तो वो बेस्ट पॉइंट होते हैं जो ट्रेड को प्रमोट करते हैं, कि जिनकी वजह से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहला ज्योग्राफिकल जो है बेस, उसमें आता है ज्योग्राफिकल कंडीशन, कि हर कंट्री की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जैसे आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी एटलीस्ट आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोड्यूस करोगे। तो इसमें है भौगोलिक स्थिति या ज्योग्राफिकल कंडीशन आपकी। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन का मीनिंग होता है कि एटलीस्ट आपके सराउंडिंग में क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप वर्ल्ड के मैप में कहाँ सिचुएटेड हो, कहाँ पर कौन कौन से आपके वे हैं इंटरनेशनल लेवल पर आपको अटैच करने के लिए। तो ये भी ट्रेड का बेस है। जैसे सपोज कीजिए इंडिया जो है वो श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए एक बेस है, क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन इस स्टाइल की है कि वो अगर रोड वे से जाना चाहे तो उनको इनसाइड द एंटर करना ही पड़ेगा। जैसे भारत की मजबूरी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना, ये उसके ऑन द वे में आते हैं रोड ट्रांसपोर्ट में अगर करें, हालांकि होता ही नहीं है, वाटर ट्रांसपोर्ट ही होता है या फिर एयर ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसी कंडीशन में रोड ट्रांसपोर्ट होता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ सिचुएटेड हो, एटलीस्ट उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ जो है वो ट्रेड क्रिएट होगा। जैसी आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग उसी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाओगे। उसके बाद आता है क्लाइमेट या जलवायु, जलवायु क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में क्या होता है कि हर कंट्री की क्लाइमेट अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की क्लाइमेट क्या है कि इंडिया जो है वो चाय, चावल और जूट, टी, जूट एंड राइस, इनका प्रोडक्शन बहुत रिच अमाउंट में कर पाता है। ये इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन है या ऐसी क्लाइमेट है कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों का अच्छे से जो है वो प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो जब हमने इन तीनों का कर लिया तो बाकी का क्या होगा, तो बाकी का हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट पे डिपेंड रहते हैं। तो जो जिसकी कंडीशन, जैसे कहीं फेवरेबल कंडीशन होती है एग्रीकल्चर की, कल क्लाइमेट है ही नहीं तो उस कमोडिटी का भी आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने एक इंडिया का एग्जाम्पल लेकर के बताया। अलग अलग कंट्री की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ रिच अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, अब उसका बेस बन गया वो ट्रेड, क्योंकि उसको सेल करना ही पड़ेगा, उसको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, बिना एक्सपोर्ट के उसका काम नहीं चलता, क्योंकि इतना एक्सेस में प्रोडक्शन की वो कंट्री करेगी क्या। तो क्लाइमेट जो है वो इसका बहुत सेकंड रीज़न है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो ठंडी जलवायु वाले देश है वो कहाँ से लाएंगे अपने क्लोथ्स, वो जहाँ गर्म जलवायु है वहाँ से लाएंगे, क्योंकि उनकी कंट्री के बने हुए कपड़े से उनको कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो देखिए जो बहुत कोल्ड रीज़न है वो अपने लिए वूलन क्लोथ्स कहाँ से लाएंगे, जिस कंट्री में बहुत हॉट और बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, उष्ण जलवायु जहाँ रहती है, उनके कपड़ों का उनको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है। अब हम कॉटन क्लॉथ कहाँ से लाएंगे, तो हम कॉटन क्लॉथ उस कंट्री से लाएंगे जो कूल हो, और वहाँ के कॉटन क्लॉथ है वो हमारे लिए बेटर रहेंगे। तो अलग अलग क्लाइमेटिक सिचुएशन में जो प्रोडक्शन होता है वही बेटर रहता है हेल्थ के लिए। तो इस प्रकार हमें ट्रेड का बेस हो जाता है ये भी। उसके बाद होता है भूमि की बनावट व उपजाऊपन। तो
जो है शेप ऑफ लैंड एंड फर्टिलिटी, कि एटलीस्ट आपकी लैंड का शेप कैसा है और आपकी लैंड की फर्टिलिटी क्या है। तो कहीं की लैंड जो होती है वो सॉइल एक्जिमम फर्टाइल होती है, कहीं की लैंड बिल्कुल बेयर लैंड होती है, कहीं की मिड होती है, मॉडरेट होती है। तो ये आपकी सॉइल की कंडीशन पे भी जो है वो ट्रेड का बेस्ट टिका हुआ है। सॉइल में जिस स्टाइल का प्रोडक्शन रिच अमाउंट में हो पाएगा, एटलीस्ट कंट्री में उसी का प्रोडक्शन होगा और उसी का ट्रेड होगा। और जो चीज़ हमारी कंट्री में, हमारी भूमि की बनावट ही ऐसी है, हमारी भूमि की उपजाऊपन ही ऐसा है कि उसका प्रोडक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ का हमें भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो ट्रेड का बेस होगा वो सॉइल के शेप पर, लैंड के शेप पर और सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसका बेस होता है। जिस स्टाइल की सॉइल है, जिस स्टाइल की फर्टिलिटी अवेलेबल है, उसी स्टाइल का हम प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद है नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है कि अगर नेचर ने हमें कुछ रिसोर्सेज रिच अमाउंट में प्रोवाइड कर रखे हैं और अगर हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो हमें उनका एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आयरन ओर का एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर जो है रिफाइन और जो है बिल्कुल स्टील में कन्वर्ट हुआ हुआ जो है आयरन उसका वापस हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जो चीज़ नेचर ने हमें फ्री और रिच अमाउंट में प्रोवाइड कर रखी है, एटलीस्ट हम उसका एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतने मिनरल रिसोर्सेज का हम करेंगे क्या। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं इंडिया में, बहुत सारी ऐसे मिनरल्स हैं जो 90-95% ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में अवेलेबल होते हैं, तो हम उनका एक्सपोर्ट ही करते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रीज़न, कि कुछ ऐसे इकोनॉमिक कॉजेज भी होते हैं जो बेस हो जाते हैं और उसके बिहाफ पर भी हमारा ट्रेड बन जाता है। तो उसमें सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। देखो जिन कंट्रीज़ के पास कैपिटल रिच अमाउंट में अवेलेबल है तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली रनिंग कर सकती है, और जिस कंट्री के पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी बहुत लोअर क्वांटिटी में है तो वो एटलीस्ट एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रह सकती है, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर तक उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ट्रेड की जो बेस जो है इट इज़ डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। जिस कंट्री में कैपिटल की अवेलेबिलिटी रिच अमाउंट में है तो वहाँ पर वैरायटी ऑफ कमोडिटी का ट्रेड होगा, प्राइमरी सेक्टर के बेस पे भी, सेकेंडरी सेक्टर के बेस पे भी, और आपका जो टर्शरी सेक्टर है उसके बेस पे भी जो प्रोड्यूस होती है उन सभी कमोडिटी का एक्सपोर्ट होगा। और जिस कंट्री में कैपिटल की अवेलेबिलिटी बहुत लोअर अमाउंट में है तो वहाँ पर ओनली एग्रीकल्चर बेस मटेरियल जो है उनका ही एक्सपोर्ट हो सकता है, अदर दोनों जो सेक्टर हैं उनके प्रोडक्शन का हमें इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ट्रेड। उसके बाद है श्रम की गतिशीलता, कि लेबर की जो मोबिलिटी की रेट है वो भी जो है वो ट्रेड को क्रिएट करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कहीं पर तो पर्याप्त संख्या में बहुत रिच अमाउंट में लेबर जो है वो रेडी हो जाता है, अवेलेबल है, और किसी कंट्री में लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत लोअर है या अवेलेबल ही नहीं है या वो फिजिकल वर्क ही नहीं कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन में लेबर का उनको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। और जहाँ पर लेबर का इम्पोर्ट किया तो वापस वही ट्रेड होता है, मैंने आपको बताया ना, लोगों का भी ट्रेड होता है कि हम यहाँ से उस कंट्री में जो है जॉब के लिए जाते हैं या अदर कंट्री जो है वो हमारे आता है। तो जहाँ लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत रिच अमाउंट में है, जहाँ पर बहुत सस्ता श्रम बहुत आसानी से मिल रहा है, तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लोअर आएगी, रिच अमाउंट में प्रोडक्शन भी पॉसिबल है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपकी लोअर आई तो इंटरनेशनल लेवल पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो अगेन क्या हो गया, आपके लेबर की जो गतिशीलता है, मोबिलिटी है, वो भी आपके उत्पादन पर इफेक्टिव होती है और उसके बिहाफ पर भी आपका ट्रेड हो जाता है। उसके बाद है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्पेशलाइजेशन है, लेबर ऑफ डिवीज़न है, तो ट्रेड होगा ही होगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट उसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा जिसमें वो स्पेशलिस्ट है। उसके बाद है विशिष्ट तकनीक व कौशल, तो ये है आपके स्पेशल टेक्निक्स एंड स्किल। तो अब अलग अलग कंट्री में क्या होता है कि अलग अलग
चीज़ों के स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहते हैं, स्पेशल टेक्निक्स अवेलेबल रहती है और वहाँ पर उनकी स्किल भी अलग अलग होती है। जैसे जापान के लोग जो है वो मशीनरी बनाने में जो है बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनकी स्किल होती है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप करें। इंडिया के जो है वो ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होता है, वो दिमाग के काम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग स्टाइल की एक स्पेशल टेक्निक्स डेवलप्ड होती है। कोई किसी कम्युनिकेशन की फील्ड में है डेवलप्ड कर लेता है टेक्निक को, कोई आईटी सेक्टर की में कर लेता है, कोई प्रिंटिंग सेक्टर में कर लेता है। तो हर इंसान अलग अलग सेक्टर में टेक्निक को डेवलप्ड करने में माहिर होता है, स्पेशलिस्ट होता है और हर कंट्री की पॉपुलेशन की स्किल अलग अलग होती है। तो क्या होगा, आपकी जिसमें स्किल है आप उसका प्रोडक्शन कर दीजिए और फिर उन वस्तुओं का क्या करिए, आप जैसे चाइना में लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को प्रोड्यूस करने में स्किल माहिर है, वो लोग स्पेशलिस्ट है, टेक्निक अवेलेबल है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स सभी कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। मशीनरी यूएसए में बहुत अच्छी होती है, रिसर्च यूएसए में बहुत अच्छी होती है। तो ये सब आप उसके लिए आप वहाँ जाते हो, वहाँ से जो है डिस्कशन निकल करके आते हैं। मेडिसिन जो है वो कहीं और कंट्री की। तो ये अलग अलग देश अलग अलग चीज में अलग अलग टेक्निक में स्पेशलिस्ट होता है, इसलिए वो अपनी टेक्निक दूसरों को सेल करता रहता है। उसके बाद उत्पत्ति के नियमों की क्रियाशीलता, कि हर कंट्री में हर इंडस्ट्री में लॉज ऑफ रिटर्न ऑपरेट होते हैं, उत्पादन के नियम लागू होते हैं। अब लॉज ऑफ थ्री टाइप्स के हैं, कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग। कॉन्स्टेंट है ठीक ठाक प्रोडक्शन हो रहा है, डिमिनिशिंग है तो प्रोडक्शन बहुत लोअर क्वांटिटी में, इंक्रीजिंग है तो बहुत कम एफर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो सपोज कीजिए किसी कंट्री की इंडस्ट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न लागू हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होने की वजह से बहुत कम एफर्ट्स पे, बहुत कम कैपिटल, बहुत कम लेबर और एक्सेस में प्रोडक्शन। तो उस कंट्री को क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्शन को सेल करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो उत्पत्ति के नियम है वो भी एक बहस है ट्रेड का, कि अगर आपके डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट हो रहा है, आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो आपको उस इंडस्ट्री को क्लॉज करना पड़ेगा और उस प्रोडक्ट को आउटसाइड द कंट्री जा कर के इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो लॉज ऑफ रिटर्न पे भी आपके ट्रेड का बहस डिपेंड है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक लागतों में अंतर, कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी है। एक चीज़ कहीं सस्ती प्रोड्यूस हो जाती है, दूसरी चीज़ वहीं पर कॉस्टली है, तो वो कंट्री सस्ती चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, कॉस्टली को बंद कर देगा और कॉस्टली कमोडिटी जो उसके पड़ रही है उसको वो बाहर से इंपोर्ट कर लेगा, उसको कहते हैं कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। अब नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कारण। कुछ पॉलिटिकल कारण भी होते हैं जो ट्रेड का बेस बन जाते हैं। उसमें होता है मधुर राजनीतिक संबंध, अगर आपको आपकी रिलेशनशिप अदर कंट्री के साथ बहुत अच्छी बना करके रखनी है तो आप नहीं भी चाहते हो तो भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इंडिया के साथ फाउंडेशन है यूएसए से रसिया से इम्पोर्ट करने की, क्योंकि इंडिया मना नहीं कर सकता, उसको अच्छी रिलेशनशिप बना के रखनी है उन देशों से, वो बहुत वेल डेवलप्ड कंट्री है, कभी भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन हुई तो वो सपोर्ट में साथ आ सकते हैं। तो एक मधुर व्यापार संबंध बनाने के लिए भी, राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट आता है देश की सुरक्षा व सार्वभौमिकता। अब अगर कंट्री की सेफ्टी चाहते हैं हम तो भी हमें सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ लगाव है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी कंट्री की सुरक्षा है जब तक मैं चाइना से लगाऊँ। भारत रसिया और अमेरिका से लगा हुआ है, अभी नेपाल चाइना से लगा हुआ है। तो हम क्यों चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री की सेफ्टी रहे, हम प्रोटेक्शन में रहें, इसलिए भी हम ट्रेड को साथ में लग देते हैं। डिजायर है या नहीं है, हाई प्राइस ले रहा है तो भी हमें वहाँ से इम्पोर्ट वो प्रोडक्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद होते हैं राजनीतिक प्रभाव की इच्छा, कि किसी कंट्री के उसकी रूलर की इच्छा होती है पॉलिटिकल इम्प्रेशंस लगाने, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की, तो भी वो ट्रेड करता है उस कंट्री के साथ। जैसे बहुत से देशों के एग्जांपल हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अलग हो गई, सोशो इकोनॉमिक अलग हो गई, कम्युनिस्ट अलग हो गई। अब क्या हो रहा है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट इन दोनों में वॉर चल रहा है इनसाइड द ट्रेड को लेकर के, कि कौन से देश कम्युनिस्ट से ला रहे हैं और कौन से देश कैपिटलिस्ट से ला रहे हैं।
तो वो दोनों अपने अपने गुटों में बन गए, अपनी अपनी पार्टीज बना ली। जैसे इंडिया जो है वो कैपिटलिस्ट के साथ लगा हुआ है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना कह रहा है कि मेरे साथ बांग्लादेश और जापान और इनको मैं मिला लेता हूँ ताकि मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ। तो ये सब ट्रेड के बहस होते हैं। तो दीज आर द बहस ऑफ ट्रेड एंड दीज आर द पॉइंट विच आर रिलेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता को बताते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार को बताते हैं।